तो भाई दिल्ली में इतनी खतरनाक ठंड बढ़ गई ना भाई एकदम से। अब यहाँ धूप लगती नहीं है भाई, बहुत कम धूप लगती है, ठीक है, लगभग 3-4 दिन में एक बार धूप दिखती है यहाँ पर भाई। और आपको जैसे पता है कि ठंड में भाई उठने का मन किसी का नहीं करता है, ठीक है, ठंड में सब सोए हुए रहते हैं भाई, अब कोई उठना चाहता ही नहीं है। जैसे हमारे हाल भाई, ठीक है, हम इस समय 12 बज रहे हैं और मैं अभी उठ रहा हूँ जस्ट अभी। और आपको बता दूँ कि भाई मैं कल रात भाई इतने जोर से गिरा ना भाई, बहुत जोर से गिरा हूँ, बल्कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ बिल्कुल गीला था, कुछ गीला टाइप का था। रात के लगभग 10 या 12:30 बजे करीब के आसपास नीचे गिर गया था मैं। देख रहा हूँ चोट भाई, देख रहा हूँ चोट कितनी भयंकर लगी भाई, यहीं पे चिपक गया भाई कागज भाई, निकल बिंदा भी। तो यार काफ़ी के टाइम के बाद भाई अब खुशी हो रही है कि काफ़ी टाइम के बाद भाई कि कमरों की जो हालत है ना, देख रहे हो कमरों की हालत काफ़ी ख़राब है भाई, ठीक है, कलर या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जस्ट मैं भी सो रखा था तो मेरे आवाज़ आई, खर 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 खर, पेड़ वेड़ लगाते हैं ना बंदे, पेड़ लगाते हैं, उसकी आवाज़ आने बैठ गई, ठीक है, इसलिए मेरी नींद उड़ गई। नहीं तो आज लगभग मैं 2-3 बजे उठता भाई, लगभग 11 बजे 11:30 बजे मैं उठा हूँ भाई, अभी उठा हूँ भाई। मैं दिखाते हैं आपको भाई, तो आज चल रही है भाई कमरों की पुताई भाई, सही की जाए। देख रहे हो भाई मकान कितनी खराब हो चुकी है, देख रहे हो, और यहाँ पर अंकल जी आए हैं इस मकान को सही करने के लिए भाई, पेंट करने के लिए भाई। तो भाई आज हो रहा है काम और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि कल रात के बर्तन मैंने धोए नहीं भाई, क्योंकि भाई कहते हैं कि हिंदू मतलब हिंदू ग्रंथ के हिसाब से कहते हैं कि भाई रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए, मतलब रात को जो बर्तन है वो धोने चाहिए। तो कल रात लगभग 12-1 बजे बज चुके थे और पानी था भी नहीं भाई, इसलिए मैंने बर्तन धो नहीं पाया मैं, और अब सुबह को धूंगा वो बर्तन मैं, क्योंकि यार भाई कहते हैं कि भाई रात के खाए हुए बर्तन है ना उसको धोना चाहिए हमेशा भाई, ठीक है। तो यही दिक्कत है, और ये देखो यहाँ बर्तन पड़ा हुआ है, ये देखो कल रात काफ़ी ज़्यादा गंदगी हुई थी क्योंकि मैंने कल चिकन बनाया था और फिर मैं सीधा सो गया था, लगभग 12 बजे मैंने खाना बनाया था क्योंकि मैं कल काफ़ी दूर गया था भाई, आने में काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को। तो चलो बर्तन धोते हैं अपने, और सुबह टाइम तो अंकल जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं, फिर खाना ही बनाना है भाई, आज मॉर्निंग का खाना तो खाया नहीं भाई। तो मैं बर्तन निकाल लेता हूँ, बर्तन आपने सारे इसमें पेंट पुंट डाल दिया इसमें, पेंट नहीं है कचरा होता है। हाँ हाँ वही चीज़ ना, देख रहे हो यहाँ कितनी ज़्यादा सारी गंदगी निकालती ऊपर से ये सीढ़ियों से भाई, तो मुझे धोना बर्तन अपने। तो भाई ये दूसरा फ्लोर है, ठीक है, और मेरे बर्तन ही है और इस बर्तन को मुझे धोना है। मेरा नीचे वाला फ्लोर देख सकते हो आप, ये नीचे वाला फ्लोर है, वहाँ काम चल रहा है। तो अपने बर्तन धोते हैं उसके बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है, तो ये बर्तन धोते हैं एक बार। तो भाई ये धुल गए मेरे बर्तन और अब चलते हैं सीधा नीचे, ठीक है। और वो देख रहे हो यहाँ कितना ख़राब हो चुका है भाई, और ऊपर देखो भाई ऊपर ही पूरा ख़राब हो गया भाई, इसके बाद पुताई हो गई पूरी भाई। कहाँ से होंगे, यहीं से आप, यहीं से हो, यहीं से नहीं, कहाँ से आप? राजस्थान जयपुर। तो अंकल जी हैं जयपुर से भाई, ठीक है। कितने बजे से किया आपने काम स्टार्ट? सवेरे 10 बजे लगा। 10 बजे? हम तो 2 बजे उठे हैं, 12 बजे उठे हम शायद से, बाहर आके देखा तो ये काम चल रहा है। तो
भाई जी अंकल कर रहे अपना काम, हम करते अपना काम, और वो बता दो कि भाई किसी अच्छी जगह जाएंगे, मैं कुछ टाइम बाद काफ़ी अच्छी जगह जाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। सॉरी यार, मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ बढ़िया, क्योंकि भाई या कहीं मैं घूम इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ भाई, और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा मेरे को। लगभग 12-1 बजे 2 बजे आता हूँ घर पर मैं, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद 4 बजे या आप ये लगा लो कि उसके बाद मैं लगभग 12-1 बजे उठता भी हूँ, ठीक है, तो कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। मगर मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा ब्लॉग लाऊँ के लिए मैं, और मैं इसके बाद सीपी का ब्लॉग आ सकता है मेरा, ठीक है, इसके बाद। और उसके बाद भाई मैं जाऊँगा अपने गाँव, तो वहाँ पता है गाँव में तो भाई क्या क्या अच्छी चीज़ दिखती है भाई, ब्लॉग बनाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग।